सागर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गिरवर में सचिव सुनील दत्त तिवारी द्वारा चंद पैसों की लालच में आकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि 51,000 रुपए दिलवाने के चक्कर में ग्राम पंचायत के 2 वर्ष पूर्व विवाहित लड़के लड़कियों के अविवाहित प्रमाण पत्र जारी कर नेता प्रतिपक्ष पंडित गोपाल भार्गव द्वारा आयोजित किए जा रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन में पंजीयन के लिए भेज दिए गए, जिसमें ग्राम पंचायत गिरवर के ग्राम कोटवार रामलाल अहरवार के पुत्र पूरन अहरवार और राघवेंद्र पिता दीनानाथ कुर्मी, बाबूलाल पिता मुन्ना कुर्मी की पुत्री शीलाबाई कुर्मी, निर्भय पिता रामनाथ कुर्मी की पुत्री हेमा कुर्मी, मेवा पिता काशीराम दानक ने पुत्र हकम दानक के अविवाहित प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और तो और सचिव इसका दोषी ग्राम कोटवार को बता रहे हैं। जो आपके गांव के कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी शादी हो गई है और सम्मेलन में जो हो रहा है भार्गव जी के यहाँ, वहाँ पर नाम लिखवा दिए 51,000 रुपए के लालच में। आप जानते हैं राघवेंद्र पिता दीनानाथ, राघवेंद्र हाँ, इनके यहाँ बच्चे की वो शादी हो गई? अब हो गई है सर, हो गई। और राजेंद्र पिता मुन्ना लाल, हाँ बच्ची की भाई है, हो गई। निर्भय रामनाथ, इनकी बच्ची की होगी शादी? मेवा काशीराम धानक, धोखे से जारी किए गए। हाँ, इसकी बात जैसे ही पता चली, हमारे जो ग्राम के कोटवार हमारे सर्वो आँखें हैं और उन्हीं में से कोटवार ने हमसे दस्तखत करवाए और कहा कि सबकी शादी किसी की हुई नहीं है। हम उनकी बात ने कहा, हम 1 साल पहले गए, इसके बाद आचार संहिता वगैरह लग गई तो हमने दस्तखत कर दिए। तो आज जैसे ही फिर हमें पता चला तो वो जमा कोई फार्म हुए नहीं थे, सब वापस ले लिए। और जो अपने जिनके फार्म थे उनसे हमने शपथ पत्र यानी कथन भी लिखवा लिए कि अगर भाई साहब पैसे की बात, अगर कोई एक आदमी भी कह दे और हम आपके साथ चलेंगे तो आप लोग जो कहेंगे हम बहुत तैयार हैं। जो कुटवार है आपके यहाँ? नहीं नहीं, ये पैसे की बात हो गई, जब उन्हीं ने तो वो हमारे वही पहुंचे कि कुटवार के हमारी वो दृष्टि सब कुछ कहा है हमारे, जैसे हम कहीं फौजी उठ रही गांव में तो हम सबसे पहले अपने कोटवार से पूछेंगे। इसके अलावा जब सचिव द्वारा ग्राम पंचायत गिरवर की पड़ताल की गई तो सचिव के कई काले कारनामे सामने आए, जैसे कि ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम रानी आदिवासी द्वारा बताया गया कि सचिव ग्राम पंचायत नहीं आते हैं और न ही फोन पर संपर्क होता है। और तो और सरपंच को सचिव का नाम तक पता नहीं है। इसके अलावा ग्राम पंचायत गिरवर में करीब 1 साल पहले सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ था, जिसकी राशि करीब 1.5 लाख रुपए 9 माह पूर्व सचिव सरपंच द्वारा निकाल ली गई थी और निर्माण कार्य नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के पंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत में वर्ष में कुल 2 पंच सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सरपंच से मिले थे तो उसका सामुदायिक भवन का जो भूमि पूजन हुआ था तो वो विवादित जगह पे हुआ था, तो जहाँ बना रहे थे तो वहाँ कोटवार के लिए दी गई थी, तो ना पटवारी मैडम ने उसकी बीबन खतरा दी कि हम दे नहीं सकते, इसलिए वहाँ बन नहीं पाया। क्योंकि राशि निकाल लिए तो हमारे सरपंच के पास जमा है और जब जैसा कहें, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप गांव में पता जाके करिए। कभी पानी नहीं मिलता था, जब से हम गए दो दो टाइम नल चल रहे हैं। आप तो पता कर लीजिए, मैंने करीब 70-80 लोगों की पेंशन बांध दी, यानी 1 साल में कोई भी अगर एक कोई भी पैसे की बात करे, 200 कुटी भरी थी भाई साहब हमारे यहाँ पिछली साल, तो हमारे यहाँ विवाद हुआ था, सबने 5-5 हज़ार लिए थे, तो जब से हम गए तो हमारी पूरी कुटी नहीं ऐसी कि अगर एक यानी 200 कुटीर बनी थी। तो आप तो जैसे भी अगर भ्रष्टाचार की कोने बात नहीं, अपन कौन सर इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि जब पड़ताल गहरी हुई तो पता चला कि 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पर पंचायत भवन तक नहीं खोला गया। इस संबंध में सचिव से बात की तो सचिव द्वारा बताया गया कि पंचायत में मैं जाता हूं और प्रतिदिन खुलती है, मेरे द्वारा विवाहित लोगों के जो अविवाहित प्रमाण पत्र जारी हुए हैं वो मेरी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। देखो क्या है, अभी चुनाव का आचार संहिता का समय था, इस कारण पता नहीं, हम तो यहीं भी जाते जांच करवाते कि सामने वाले कि कोटवार की का आपकी जवाबदारी थी, आपको जांच पड़ताल करने के बाद आपको एक बात सही, हमारी गलती हुई इसमें, हम अपनी गलती स्वयं मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और जो आप लोग और आप हमारी सरकार जो हमें सजा दे तो हम इसके लिए मानेंगे। कितने पैसे लिए आपने कागज के? पैसे हमने आज तक 25 साल की नकली, कोई एक आदमी कहीं से भी सिद्ध कर दो। वहीं इस संबंध में सागर जनपद पंचायत सीईओ राहुल पांडे का कहना है कि सचिव को नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर नोटिस का जवाब संतुष्टजनक नहीं रहा
तो जांच कर ग्राम पंचायत गिरवर के सचिव सुनील दत्त तिवारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ वहाँ पे विवाहित लोग थे जिनका कन्यादान योजना के अंतर्गत उन लोगों ने पंजीयन कराने के लिए सचिव से अविवाहित प्रमाण पत्र में साइन करवाए थे। वो सारे प्रमाण पत्र मेरे पास भी आए थे, क्योंकि सचिव के द्वारा अविवाहित पे साइन किया गया था इसलिए हम लोगों ने उसमें भी साइन करके भेज दिया था। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि सचिव को जब ये पता चला कि लोग, सचिव का ऐसा कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ये विवाहित लोग थे, तो उसने सारे फॉर्म लौटा लिए। तो प्रथम दृष्टया तो ये अपराध है, सचिव को पहले पूरी जांच करना थी उसके बाद ये जारी करना था, उन्होंने नहीं जारी किया तो मैं इसके लिए नोटिस जारी कर रहा हूँ। और अगर उनका स्पष्टीकरण संतुष्ट पूर्वक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मैं संबंधित एजेंसी की जांच करा लेता हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन वहाँ से जो हितग्राहियों के से शिकायत नहीं आई अभी तक। अगर वो ऐसे कुछ लिखित में देते हैं, कोई ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भी नो डाउट कार्रवाई करेंगे। पैसा लेना तो कहीं पर भी क्षम्य नहीं है। मैं एक साथ इस नोटिस में वो चीज़ मेंशन कर रहा हूँ और उनसे जवाब ले रहा हूँ कि लगातार शिकायतें पिछले 3-4 महीने से लगातार गिरवर हाईलाइटेड रहा है और शिकायतें आ रही हैं, और सभी विषयों पर बिंदुवार उनका जवाब लूंगा। अगर जवाब उनका संतुष्टिपूर्वक नहीं होगा तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज। खबरें देख कर दें सोचने पर मजबूर।